बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए जहां बिहार सरकार नए नए कानून लेकर आती है, तो वहीं आपको बतला दें कभी ड्रोन उड़ाए जाते हैं तो कभी छापेमारी की जाती है। और जिस तरीके से शराबबंदी को सफल बनाने के लिए जो एक खर्च सरकार कर रही है, क्या इसका कोई फायदा हो रहा है? शराबबंदी कानून होने के बाद भी लगातार जहरीली शराब से लोग मरते नजर आ रहे हैं। भले ही कानून कितनी भी सख्त हो जाए, लेकिन शराब माफिया और शराब तस्कर लगातार नए नए तरीके से शराब की तस्करी कर जा रहे हैं और कार्टन के कार्टन शराब बरामद भी हो रहे हैं। बतला दें इसी कड़ी में विशेष पुलिस टीम ने सिकंदरपुर बूढ़ी गंडक नदी किनारे इलाके में, वहीं इस दौरान ठिकाने से गैस सिलेंडर, चूल्हा, बर्तन, कई तरह के केमिकल और कई गैलन और कई सामाने भी जब्त किए गए हैं। बतला दें कि जैसे ही इस बारे में जानकारी मिली, पुलिस छापेमारी के लिए पहुंची। मुख्य धंधेबाज वहां से भाग निकला, लेकिन पुलिस ने मौके से एक महिला को गिरफ्तार कर दिया है। वह मुख्य धंधेबाज की पत्नी है। जब उससे पूछताछ की गई तब यह पता चला कि यह लोग काफी लंबे समय से गंडक नदी के किनारे यह मिलावटी शराब बनाकर बेच करते थे। बतला दें कि सिकंदरपुर गंडक किनारे मुक्ति धाम से सटे इलाके में झाड़ियों में छिपकर मिलावटी शराब बनाने की सूचना पुलिस अधिकारियों को मिली, जिसके बाद पुलिस वहां पर छापेमारी के लिए पहुंची और फिर इस मिनी फैक्ट्री का पर्दाफाश हो गया। इसके साथ ही आपको बतला दें कि चूल्हा जलाकर नदी के बीच में नाव पर मिलावटी शराब तैयार किया जाता था। ऐसा इसलिए कि पुलिस वहां तक पहुंच ना सके। शराबबंदी कानून को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा। ब्यूरो सिटी पोस्ट लाइव।